यूनो गाइस दी टीवीएस ये इंडिया के सबसे पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है। इनकी काफी सारी बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर और भी कई एक्सेसरीज इंडियन मार्केट में सेल आउट होती हैं। बट इनका सबसे पॉपुलर वेरिएंट यानी कि टीवीएस जुपिटर, ये इनका ट्रस्टेड और सबसे पॉपुलर स्कूटर है। फिलहाल इन्होंने इस स्कूटर को पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी एडिशन में भी लॉन्च किया है और वह स्कूटर इंडियन यूजर्स को काफी हद तक पसंद भी आ रहा है। बट वो चाहते हैं कि इसी सेम वेरिएंट को क्यों ना इन इलेक्ट्रिक एडिशन लॉन्च किया जाए, तो इसीलिए इन्होंने टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिक एडिशन लॉन्च करने का फैसला किया है। फिलहाल स्कूटर्स रिलेटेड काफी सारी जानकारी ना कुछ ब्लॉगिंग साइट पर रोल आउट हो चुकी है, जो कि इस वीडियो में आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये स्कूटर आपको आने वाले कुछ मंथ्स में इंडियन मार्केट में दौड़ते हुए दिखेगा। बट ये कुछ रेंडर्स इमेजेस है, इससे स्कूटर्स रीड और भी कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती, जैसे कि इसका व्हील बेस जो कि 1295 mm का होने वाला है, लेंथ 1890 mm की होगी, विड 670 mm की होगी और हाइट 110 mm की होने वाली है। देखा जाए तो इसका डिजाइन काफी मिनिमलिस्टिक एंड स्टाइलिश होने वाला है, जो कि राइडर के कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी चीज होने वाली है एक राइडर के नजरिए से। इसमें अलाउज देखने को मिल जाते हैं और स्कूटर 5 नए कलर वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फीचर्स की अगर बात करें तो स्कूटर में काफी सारे यूजफुल एंड मॉडर्न फीचर्स दिखाई देते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी एंड सीरी वॉइस कमांड मिल जाता है। साथ में 256-bit डिजिटल इंक्रिप्शन भी है, मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने एक स्मार्टफोन के सिक्योरिटी सिस्टम को लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस किया है। सो नो डाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में स्कूटर वन ऑफ द बेस्ट है। साथ में स्कूटर में मल्टीपल सेंसर और मिडिल ऑफ द हैंडल 8.3 inches का डिजिटल टच स्क्रीन डिस्प्ले पैनल मिल जाता है। बेसिकली यह ओपन सोर्स एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस के साथ रन करता है, जिससे आप स्कूटर को इस डिस्प्ले के साथ में अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके स्कूटर की सिक्योरिटी फीचर्स को एनहांस करती है। और स्कूटर में आपको रेगुलरली वायरलेस अपडेट भी मिलते रहेंगे। हाउएवर स्कूटर के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, यानी कि पोच है बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम एंड मैक्स M627 ट्यूबलेस टायर कॉम्बिनेशन आपको एक सेफ एंड सिक्योर राइडिंग की गारंटी देता है। इसके यूरो व्हील स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। टूरिज की तरफ आए तो 2 batteries होने के बावजूद भी स्कूटर में अच्छा खासा सस्पिशियस बूट स्पेस दिखाई देता है, जो कि 35 liter का है। हेलमेट कैरी कर सकते हैं। सो गाइस इन सिंगल चार्ज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 310 km की IDC रेंज ऑफर करती है, बट रियल लाइफ यह रेंज 270 या 280 km के आसपास होने वाली है। स्कूटर में 125cc इलेक्ट्रिक इंजन मोटर है, जो कि स्पेशली कस्टमाइज है इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। ये मोटर 6.7 kW/h का मिनिमम पावर जनरेट करती है। इसका टॉर्क लगभग 72 Nm व्हील होगा और 0-40 एक्सेलरेशन विद इन 3.3 seconds का ही होने वाला है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि स्कूटर की टॉप स्पीड लगभग 115 km/h की आसपास होगी, जो कि इसके स्पोर्ट मोड में यह स्पीड देख सकते हो। इसमें 4 नए राइडिंग मोड्स दिखाई देते हैं, जो कि स्मार्ट, इको, वार्म एंड स्पोर्ट। ये 4 नए राइडिंग मोड्स है। स्मार्ट मोड आपको हाई रेंज ऑफर करता है, बट स्पोर्ट मोड में स्कूटर की रेंज डिक्रीज हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी के पीपल्स को टारगेट करते हैं, जिनको भी मार्केट या बिलो दी 100 km रेंज आना जाना करना है। बट ऐसे भी कुछ नए फीचर है जो कि कंपनी ने अभी तक रिवील किए नहीं है और लॉन्चिंग प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है। सो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों ना हम नेक्स्ट में डिस्कस करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।